नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर 2019-20 के पार्ट से भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी, जो जहां से एक प्रश्न जो है आपका सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारी और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और प्रमुख जो है मंत्रालयों के सचिव एवं सलाहकार जो होते हैं, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और जो है आपका जांच एजेंसियां एवं अर्ध सैन्य बलों के प्रमुख, इन सभी को जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां से जो है आपको एक प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आपके आते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है कौन है वर्तमान में, तो रामनाथ कोविंद हैं। ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें जो है राष्ट्रपति हैं। अगला आपका उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति इस समय जो है एम वेंकैया नायडू हैं। और नेक्स्ट है आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इस समय जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े हैं, जो कि 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद क्रम भी इनका याद रखिएगा, कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े। अगला आपका लोकपाल, तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और अगला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है, तो इस समय जो है के वेणुगोपाल हैं भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी। नेक्स्ट हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि CDS जिसे कहा जाता है, तो भारत के पहले CDS जो है बनाया गया है वह जनरल बिपिन रावत को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया है। अगला आपका सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं तुषार मेहता। और नेक्स्ट हैं राज्यसभा के सभापति इस समय कौन है, तो एम वेंकैया नायडू हैं। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और नेक्स्ट हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में लोकसभा है वह 17वां लोकसभा है, 17वीं लोकसभा, तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिरला। और अगला है आपका राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। और नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये वर्तमान में सुनील अरोड़ा हैं। और कौन से क्रम के हैं, तो ये 23वें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला आपका अन्य चुनाव आयुक्त में जो है आपके अशोक लवासा एवं सुशील चंद्रा हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वर्तमान में जो है GC मुर्मू, अगस्त में भी हाल ही में बनाए गए हैं। इसके पहले कौन थे, तो राजीव महर्षि थे। GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है 14वां जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया, और राजीव महर्षि जो थे वह 13वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। तो अभी हाल ही में जो है GC मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। इसके पहले ये जम्मू कश्मीर जो है संघ शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे। अगला जो है आपका तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है वायुसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जो है वर्तमान में यह वायुसेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और जो है आपका थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष हैं। तो तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष का नाम राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय, तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। एडमिरल कौन है, तो करमबीर सिंह है नौसेना अध्यक्ष। उसके बाद थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और सलाहकार जो है, तो सबसे पहला आपका कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, तो राजीव गौबा हैं। और विदेश सचिव कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, या विदेश सचिव पूछा जाएगा, भारत सरकार के विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। नेक्स्ट है गृह सचिव, तो यह अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव कौन है, तो डॉक्टर अजय भूषण पांडे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नेक्स्ट हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर के विजय राघवन हैं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट हैं रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर G. सतीश रेड्डी हैं रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार। उसके बाद जो है आपका अगला है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष। एक तरफ जो है आप देख सकते हैं आयोग का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष का नाम। तो सबसे पहले जो है नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं यानी कि प्रधानमंत्री उस नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं
तो ज़्यादातर जो है आपका उपाध्यक्ष पूछा जाता है। तो नीति आयोग का यदि उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजीव कुमार हो जाएंगे, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, नीति आयोग का सीईओ यदि पूछा जाएगा तो अमिताभ कांत जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं इस समय, तो न्यायमूर्ति HL दत्तू यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में। और नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो रामशंकर कठेरिया यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला है आपका केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन हैं इस समय, तो राजेंद्र कुमार जैन यह केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नंद कुमार साई राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो सईद गयूर हसन रिजवी यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो NK सिंह हैं। और अगला आपका 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो YB रेड्डी थे। और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो न्यायमूर्ति BS चौहान यह 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगला आपका राष्ट्रीय महिला आयोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं इस समय रेखा शर्मा हैं। और अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रियंक कानूनगो। और अगला आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी हाल ही में जो है अगस्त में प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है चुना गया है। इसके पहले जो है अरविंद सक्सेना वह संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष थे। तो अभी अगर यदि प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा तो पहले का ही उसमें ऑप्शन रहेगा अरविंद सक्सेना, क्योंकि अभी हाल ही में अगस्त में ही जो है प्रदीप कुमार जोशी को UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, तो UGC के अध्यक्ष जो हैं इस समय प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। और अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो इस समय संजय कोठारी जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं इस समय। और अगला आपका मुख्य सूचना आयुक्त प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो बिमल जुल्का मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो बिमल जुल्का बने हैं। और नेक्स्ट है आपका जाँच एजेंसियों एवं अर्ध सैन्य बलों के प्रमुख, तो आप देख सकते हैं एक तरफ जो है आपका अर्ध सैन्य बल और एजेंसी का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उनके निदेशक कौन है। तो सबसे पहला आपका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ऋषि कुमार शुक्ला हैं। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा के निदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो सामंत गोयल हैं। उसके बाद है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसको IB कहा जाता है, तो इसके निदेशक हैं वर्तमान में अरविंद कुमार। उसके बाद जो है आपका अर्ध सैन्य बलों एजेंसी के महानिदेशक देख लेते हैं, तो इसमें है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको CRPF कहा जाता है, CRPF के महानिदेशक कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो AP माहेश्वरी हैं। और अगला आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक कौन है, तो राजेश रंजन हैं। और अगला आपका सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, तो BSF के महानिदेशक इस समय BK जौहरी हैं। और अगला आपका सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक कौन हैं, तो कुमार राजेश चंद्र जो हैं ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। और अगला आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं, तो SS देसवाल इस समय जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक हैं। और अगला आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। अगला है रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन हैं, तो अरुण कुमार हैं। और हाल ही नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक कौन हैं, तो SN प्रधान हैं। और नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, तो NCC के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और अगला आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसको NIA कहा जाता है, तो NIA के महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम में योगेश चंद्र मोदी। उसके बाद अगला है आपका भारतीय बोर्ड या समिति प्राधिकरणों के अध्यक्ष जो है, तो सबसे पहले जो है आपका है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो ब्रजेंद्र पाल सिंह जो हैं प्रेजेंट टाइम में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं। और अगला है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रसून जोशी हैं। और अगला है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन हैं, तो प्रमोद चंद्र मोदी यह CBDT के अध्यक्ष हैं। और अगला है आपका रेलवे बोर्ड, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में जो हैं वह विनोद कुमार यादव हैं। उसके बाद अगला है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको SEBI कहा जाता है,
सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी और अगला आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और अगला आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन हैं तो अरविंद सिंह हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं तो सुभाष चंद्र खूतिया हैं। और अगला है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो है अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में पंकज कुमार, ये जो है CEO हैं। और अगला है आपका भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन हैं इस समय तो विवेक जोशी जो है ये भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका जो है भारत सरकार के प्रमुख पदाधिकारी जहाँ से जो है एक प्रश्न सभी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।